नमस्कार साथियों, ICR मध्य भारत समाचार के इस ताजे अंक में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ के कुछ एक जिले हैं, जैसे कि कांकेर है या कवर्धा है, ऐसे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की खेती का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। नया नया क्षेत्र जो है सोयाबीन के अंतर्गत आ रहा है और वहाँ के किसानों के लिए सोयाबीन की उन्नत उत्पादन तकनीकी को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। तो आज के अंक में हम विशेष रूप से जानेंगे हमारा AICRPS का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर स्थित जो केंद्र है वहाँ के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राम मनोहर साहू जी से जानेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की किसानों के लिए सोयाबीन की उन्नत उत्पादन तकनीक से संबंधित जानकारी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे ने लिया कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम एवं इंदौर के कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत संस्थान में हुआ सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिता में संस्थान के कर्मचारियों ने दिखाया उत्साह। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें विषय पर हुआ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। निदेशक डॉ. KH सिंह के नेतृत्व में संस्थान के कर्मचारियों ने वॉकेथॉन में लिया भाग, साथ ही हुआ स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के FPO सदस्य कृषकों ने संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लिया भाग, उत्पादन एवं प्रसंस्करण सहित विभिन्न तकनीकी सत्रों का हुआ आयोजन। समारोह के अवसर पर निदेशक डॉक्टर सिंह द्वारा की गई महाराष्ट्र के सोया कृषकों की प्रशंसा। उनके अनुसार भविष्य में सोया प्रसंस्करण में भी होगा महाराष्ट्र राज्य अग्रणी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की महिला कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण एवं प्राप्त की सोया प्रसंस्करण संबंधित उपयुक्त जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। सोयाबीन की उन्नत काश तकनीक के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं अनुसंधान केंद्र इंदौर से विकसित इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी किस्में हैं जिनको कृषक भाई लगाकर अधिक उपज पा सकते हैं, जिसमें हमारी पुरानी एक किस्म है छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1, उसके बाद RSC 1046, RSC 1052, 1135, तो ऐसे और किस्में हैं जो इस क्षेत्र के अनुशंसित हैं। छत्तीसगढ़ में खासकर कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, भाटापारा, रायपुर जैसे समतली जगहों में, प्लेन एरिया में ही सोयाबीन की खेती होती है और यहाँ उपज भी कृषक भाई अच्छा उपज ले रहे हैं। तो कृषक भाई जो उपज लेने में कुछ सावधानी बरते हैं उत्पादन में, उसके लिए मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले कृषक भाई किस्मों का चुनाव सही करें। किस्मों के चुनाव के लिए मैंने आपको जो विश्वविद्यालय से भी अनुशंसित जो किस्में हैं उनके बारे में बताया, और उसके बाद बीज दर हम अनुशंसित करते हैं 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 30 किलोग्राम प्रति एकड़। इसको आप और भी कम कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो ये रो टू रो है, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर हमने अनुशंसित की है, लेकिन कृषक भाई इसको 20-25 सेंटीमीटर में रखते हैं, जिससे क्या पौधों की बढ़वार कम होती है। तो इसके और जो सीड ड्रिल से बोते हैं तो बीच का अगर 3 रो है
तीन कतार है तो बीच में एक कतार को बंद कर दें वो, तो वो 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इससे क्या पौधों की बढ़वार ज़्यादा होगी और उसका विकास होगा और जो फलियां आएंगी वो भी ज़्यादा फलियां आएंगी, ज़्यादा नोट्स निकलेंगे, ज़्यादा फलियां निकलेंगी, इससे कृषक भाई ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। और दूसरा, वह कृषक भाई बीजोपचार भी अवश्य करें कि जो फफूंद नाशक है उससे, और राइजोबियम कल्चर जिससे कि नोड्यूल बढ़ता है उससे नत्रजन की पूर्ति वगैरह होती है। उसके बाद जो ये खाद वगैरह भी अनुशंसित सही टाइम पर डीएपी वगैरह से दें। उसके बाद जो हमारी ये किस्म है 100 दिन के अंदर पक जाती है और छत्तीसगढ़ में 100 दिन की किस्म को ही पसंद किया जाता है, लेकिन आजकल कृषक भाई देख रहे हैं कि वो जब मैच्योरिटी आती है पकने लगता है तो उस समय पानी गिरता है, तो सावधानी से जून के आखिरी सप्ताह में इसकी बोनी करें और जल निकास की व्यवस्था अच्छे से अच्छा करें ताकि ये जो भी किस्म बताए हैं आपको 100 दिन के आसपास है, 100 से 105 दिन, और इसके अधिकतम उत्पादन 30 क्विंटल तक ले सकते हैं और 25 से 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन आता है। अगर इसके हम बाजार का दर देखें तो 3500 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, और कृषक भाई अगर एक प्रति एकड़ 10 से 15,000 रुपये खर्च करके भी अगर ये 10 से 12 क्विंटल भी लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन निकल सकता है, जो खासकर जो समतल प्लेन एरिया है, अपलैंड एरिया बोलते हैं, उसमें सोयाबीन की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। और हम प्लेन एरिया के अलावा भी जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया हैं जैसे कि कांकेर है, गरियाबंद है, इस तरफ हम बीज विश्वविद्यालय से अनुशंसित बीजों का किसानों को देकर हम इसका एरिया को भी बढ़ाने का प्रयास। धन्यवाद।